इधर हेड ड्राइवर बने जी, क्या नाम पूछ रहे हो? उमेश तिवारी। धौरी से? ना, हमारे घर सोनौर करीब। जैसे कि हम आपको बताना चाहेंगे, अभी भारत सरकार की बहुत सारी नीतियों को केंद्रित किया जा रहा है, जहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान चला हुआ है, बहुत ज़ोर शोर से चला हुआ है। हर गांव, हर समाज, हर पंचायत में लोगों को एक उमंग है कि किसी भी तरह बेटी को आगे बढ़ाना है, बेटी की उस प्रतिष्ठा को दिलाना है जिसकी वो पूरी तरह से हकदार है। उसी दौरान मैं पहुँचा हुआ अभी धौरी गाँव में, और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया संस्था सर्व समाज महिला उत्थान संस्थान का निर्माण किया गया है, जहाँ पे बच्चों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी जागरूक है संस्था, और काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पे विकास हो रही है, और बेटियों को आगे बढ़ाने की प्रयास काफ़ी जारी है। और काफ़ी यहाँ की धौरी पंचायत से काफ़ी लड़कियाँ यहाँ जुड़ी हुई है। आइए हम जानते हैं, कुछ यहाँ पे बच्चियाँ हैं इस सर्व समाज महिला उत्थान संस्थान से जुड़ी हुई है, इससे इन लोगों को क्या बेनिफिट हुआ, अभी तक ये कहाँ तक अपनी सफलता हासिल कर पाई है, और हेजिटेशन को कहाँ तक दूर कर पाई है, आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका, सर्व समाज महिला संस्थान, इससे कब से जुड़ी हो? एक महीना से। अच्छा, कैसा, कैसी संस्था है, क्या इसके बारे में? बहुत ही अच्छा है, हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सिलाई कढ़ाई करते हैं हम लोग, फिर पढ़ाई करते हैं, और फिर शाम में खेलते हैं हम लोग। कौन सिलाई सिखाता है आपके यहाँ? ये हमारी गीता मैम। अच्छा अच्छा, इससे आपको कैसी अनुभूति हो रही है, क्या आपको लगता है? हम लोग को आत्मनिर्भर, ये आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और अपने बल पे खड़ा होने के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ हम लोग नाम रोशन करना चाहते हैं अपने गांव के, अपने देश का। क्या नाम बताएं? प्रियंका कुमारी, यहीं की रहने वाली है। हाँ, आप देख रहे हैं, अभी बात हो रही थी प्रियंका से, जो कि धौरी की रहने वाली है। ये इनका कहना है कि बहुत ही अच्छी संस्था है, और इससे हम लोगों को खुलने का मौका मिलता है, अपनी प्रतिभा को लोगों के बीच रखने का मौका मिलता है। आपका? गीता देवी। गीता देवी, आप सिलाई कहाँ से सीखी हैं? मैं अपने मायके से सीखी। अच्छा, कैसा लग रहा है बच्चियों को आपको सिलाई सिखा के? बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत सारी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने जा रही हैं सर्व समाज महिला संस्थान की तरफ से, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस होता है, खुशी महसूस बच्चियों के साथ रहकर, मैं बहुत खुश रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और दीपावली कहाँ से? धौरी से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सर्व समाज महिला उत्थान संस्थान है ये, और इसके तहत आप अभी तक कहाँ, किस मुकाम तक पहुँच पाई हो, आप क्या बताना चाहोगी? मैं एक महीना से पढ़ाई, सिलाई कढ़ाई और खेल अपने जारी की हूँ, इससे मैं बहुत खुश हूँ, अपने माँ बाप तथा अपने बिहार, मतलब सबका नाम रोशन करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कुछ बढ़ने को, मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ बनकर या कुछ बढ़ने की कोशिश में लगी हूँ, आगे बढ़कर मैं कुछ करूँ, अच्छे से पढ़ाई कर। हमको बहुत खुशी मिला सर्व समाज महिला उत्थान के द्वारा, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नियम, बहुत ही हम खुश हैं। इस हमारे ग्राम में सभी सदस्य, मतलब ग्रामवासी बहुत ही खुश हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आप देख रहे थे दीपावली थी धौरी की रहने वाली, और इनका कहना है कि हम लोग अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं सब संस्थान के माध्यम से, ये सब समाज महिला उत्थान संस्थान के माध्यम से, और इसके यहाँ पे संस्थापक भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस संस्था के द्वारा क्या चाहते हैं, और ये कहाँ तक बच्चियों को ले जाना चाहते हैं, या और क्या क्या एम्बिशन है इनके अंदर छुपा हुआ, आइए बात करते हैं, जानते हैं। हेलो सर, क्या परिचय हुआ आपका? उमेश तिवारी। उमेश तिवारी जी, इतना सुंदर संस्थान का आपने निर्माण किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत है, क्या थीम है और क्या सोच के आपको कैसे लगा कि मुझे इस तरह का संस्था का निर्माण करना चाहिए? देखिए, इस संस्था से हम बहुत पहले जुड़े हुए हैं, ये संस्था हमको अच्छा लगा, और हम वहाँ से सोचे कि हमारे बिहार में बहुत कमियाँ हैं हमारी बच्चियों को, जो कि आगे इन लोगों को निकलने का मौका नहीं मिलता है, और इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार हमने देखा कि दो किस्म का होता है, एक बेटा और बेटी, इन लोगों के फर्क, और इन लोगों की नीति में मतलब कि सोच जागरूकता के प्रति मतलब नहीं हो पाता है घर जीवन का, तो हमारा यही सोच हुआ कि इन लोगों को हम आगे निकालें, इनकी प्रतिभा को निखारें, इनमें से हो सकता है कि कल कोई IAS IPS BPS या हमारे देश की कोई भी ऑफिसर बन सकती है बेटियां, हमारे देश का नाम रोशन करेगी, और हमें गर्व होगा कि आज हम इन 50 बेटियों को लेकर चले हैं, इनमें से 20 भी कोई ऑफिसर बन गई, क्या पायलट बन गई, कोई भी मतलब कि प्रकार के प्रतिमा इनके आगे निखर कर आए, तो यही हमारी खुशी और यही मेरी अभिलाषा होगी।
वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच, बहुत अच्छे विचार के साथ आपने इस संस्था का निर्माण किया। आप लोग देख रहे थे, ये उमेश तिवारी जी थे जी। और उमेश तिवारी ने सर्व समाज महिला उत्थान संस्थान का निर्माण किया और यहाँ पे धौरी में लाया इन्होंने, ताकि हमारे गांव की, हमारे पंचायत की, हमारे राज्य की, हमारे ज़िले की बेटियाँ आगे बढ़े, पढ़े और कुछ करें, अपनी प्रतिभा को निखारे। बहुत ही अच्छा लगा हमें यहाँ आके, और धौरी पंचायत के तमाम ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, काफ़ी खुश है। आइए कुछ और ग्रामीणों से बात करते हैं कि इस संस्था से ये लोग कितने खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। पूजा, कहाँ से हो आप? यहीं से, धौरी से। अच्छा, ये सब समाज महिला उत्थान संस्था है, इससे जुड़ी हो? हाँ। कब से जुड़ी हो? एक महीना से। कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहोगी इसके बारे में? क्या कहना चाहोगी, क्या क्या सीखी हो यहाँ से? यहाँ अभी हम लोग 7 से 9 पढ़ाई होता है और 11 से 1 सिलाई और 4 से 6 हम लोग यहाँ से खेल करते हैं। अच्छा महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। मेरा नाम प्रीति शर्मा है। हाँ प्रीति, आप कब से जुड़ी हो इस संस्था? 1 महीने से। अच्छा, क्या क्या सीखी हो यहाँ से? यहाँ से सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन का भी काम मतलब चलता है, फिर हम लोग खेलते भी हैं शाम में। अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश भी हैं। और मतलब आज जो हम लोग कितना कुछ पहले साल सोचते थे कि ये सब करें, नहीं मिल पाता था हमें, जो आज हमें उमेश तिवारी जी के थ्रू मिला, इसलिए हम बहुत 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 खुश हैं। थैंक यू जी। नीलम कुमारी। नीलम, कब से तुम ज्वाइन की हो? 1 महीने से। 1 महीने से, क्या क्या सीखा आपने? सिलाई कढ़ाई पढ़ाई और भी ट्यूशन भी चल रहा है। अच्छा लग रहा है जी? बहुत अच्छा लग रहा है। गाँव में ऐसी संस्था आके कुछ काम कर रही है तो अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मधु। क्या बताना चाहोगी इस संस्था के बारे में? महिला उत्थान संस्था के कारण ही हम लोगों का हौसला बुलंद हो रहा है। जोर से बोलो। हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, जो कि आज की जिंदगी में भाग दौड़ सब कुछ फास्ट होता है। हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका, पढ़ाई कढ़ाई खेलने का भी मौका मिल रहा है, जिससे हम उमेश तिवारी जी के कृपा से ही हम लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमारी, यहीं से हो? हाँ, धौरी से। बताओ इस संस्था के बारे में क्या जानती हो? ये संस्था के बारे में हम लोग बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग पढ़ाई करते हैं 9 से 11 9 7 से 9 और फिर से 11 से 1 सिलाई और 4 से 6 खेलते हैं। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इस संस्था से खुश हो आप लोग? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हुआ डिट्टू कुमारी। हाँ बताओ, आप क्या बताओगी इस संस्था से आपको क्या मिला? इस संस्था से हम लोग बहुत खुश हैं, हमारे गांव का नाम रोशन हो। क्या क्या सीखी हो? बहुत कुछ सीखे हैं, सिलाई कढ़ाई पढ़ाई और खेल वोल सब होता है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सपना कुमारी। सपना, इस संस्था से क्या क्या सीखे अभी तक? 7 से 9 तक ले पढ़ाई, 11 से 1 बजे ले सिलाई, 4 से 6 तक ले खेल। बढ़िया लग रहा है ना? हाँ, बहुत खुश हैं हम लोग आगे बढ़ने के लिए। चलो, बहुत अच्छा। कुमारी। अंशु, इस संस्था से क्या क्या सीखी हो अभी तक? अभी हम सिलाई सीख रहे हैं, ब्यूटिशियन सीख रहे हैं, कुछ दिन में कंप्यूटर भी आएगा। हम लोग खुश हैं सीखने के लिए और तैयार भी हैं, सब लोग खुशी से सीख रहे हैं। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके गांव में ये सर्व समाज महिला उत्थान संस्था काम कर रही है, क्या बताना चाहेंगे, कैसी संस्था है? बहुत अच्छा संस्था है सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है इस संस्था से आपके गांव का विकास, आपके पंचायत का विकास हो पाएगा? पंचायत में तो बहुत कार्य बढ़िया चल रहा है और देश में भी बहुत प्लान बढ़िया चल रहा है। अभी हमारे तिवारी जी कार्यक्रम चला रहे हैं और हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम चला रहे हैं। बिल्कुल जी सर। चलिए, बहुत खुश हूँ। हम सर बताना चाहेंगे कि जिस चीज़ के लिए हम समर्पित होना चाहते थे, हमें समर्थ नहीं था, एनजीओ द्वारा हमें वो मदद मिली, मेरी बेटियां पढ़ रही हैं, मेरी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, मेरी बेटियां आगे बढ़ें तो मेरा भी नाम रोशन हुआ, मेरे गांव का नाम रोशन हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। ग्रामीण भी काफ़ी खुश है और बच्चिया भी यहाँ पे काफ़ी खुश नज़र आ रही है। आपने देखा अभी तक जो हमारी बात हो रही थी, उसमें सर्व समाज महिला उत्थान संस्थान से भी बहुत सारी बच्चियों ने अपने बारे में बताया कि मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। और हमें तिवारी जी भी बताया कि हमें किसी भी तरह विकास करना है और बच्चियों को आगे बढ़ाना है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरामैन अरुण रोशा के साथ। थैंक यू।